लास्ट हम लोग यहाँ पे देखे थे, ठीक है, फाइव के बारे में देखे थे, प्रिपरेशन इसका हो गया था, प्रॉपर्टीज हो गया था, ठीक है, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज भी हम लोग जो है ऑलमोस्ट उसका देख चुके थे, ठीक है, एक्शन किसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोक्सी कंपाउंड के साथ तुम्हारा किस तरीके से मतलब कि हाँ प्रिपरेशन यहाँ हो गया था, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का प्रॉपर्टीज हम लोग देख लिए थे, ठीक है, प्रॉपर्टीज में वाइट पाउडर बताए थे, ठीक है, हाइड्रोलाइज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ये सब बताए, ठीक है, और इसके बारे में येलोसिस पाउडर, ठीक है, येलोसिस चलो देख क्या क्या चीज है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, नजर आ रहा है ना, व्हाइट स्क्रीन दिख रही है, हाँ 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 व्हाइट व्हाइट व्हाइट, ओके, अब देखो प्रॉपर्टीज में जो होता है, ठीक है, कैसा होता है, थोड़ा सा और कुछ कुछ चीज पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि ये कलरलेस होगा, ठीक है, कलरलेस कलरलेस होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, ठीक है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, पंजेंट ऑर्डर होता है, पंजेंट ऑर्डर होता है, ठीक है, पंजेंट ऑर्डर होता है, ठीक, लेकिन पंजेंट ऑर्डर रहेगा व्हेन प्योर, ठीक है, पंजेंट ऑर्डर रहेगा, ठीक है, व्हेन व्हेन प्योर, जब ये प्योर रहेगा तब, ठीक है, और ध्यान में रखेंगे ग्रीनिश येलो जो है वो हम बताए थे पीसीएल फाइव जो रहता है तो ग्रीनिश येलो ये क्रिस्टलाइन में रहेगा तब, ठीक है, कलरलेस कब बोले, जब क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन आपका सॉलिड में रहेगा तब, लेकिन पीसीएल फाइव जनरली जो है आपको यूजुअली ग्रे ग्रेनिश येल्लो कलर जो है वो भी आपको टेक्निकली ग्रेड में नजर आता है, ठीक है, ये चीज भी बात ध्यान में रखेंगे, ये ऊपर भी लिखवाए हुए हैं ग्रेसिस येल्लो वाला जो बात है वो, ठीक है, तो ये बात हो जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें डिसोसिएशन का, ठीक है, एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखेंगे, डिसोसिएशन ठीक है, तो ये क्या बोल रहे थे हम कि एक पॉइंट यहाँ पे आता है डिसोसिएशन का, क्या हो जा रहा है ये, वाह ये मिट्रा कर रहा,
ठीक है, तो जो दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहे थे, ठीक है, हमारे लिए तीसरा पॉइंट हो जाएगा डिसोसिएशन का। ठीक है, क्या डिसोसिएशन? डिसोसिएशन तो बेसिकली इसमें क्या है ना कि कहता है कि PCl5 जो होता है, ठीक है, PCl5 जो रहेगा वो ब्रेक करके, ठीक है, टूट करके तुम्हारा PCl3 और साथ ही साथ तुम्हारा Cl2 गैस भी तुम्हारा इसमें कन्वर्ट होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डिसोसिएट हो जाता है ऑन हीटिंग। ध्यान में रखना हीटिंग, हीटिंग, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? PCl3 और Cl2 गैस में, ठीक है। और ये जो है ऑर्गेनिक रिएजेंट के तौर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक। उसके बाद यदि हम आगे बात करें, फोर्थ पॉइंट की तरफ बात करें, प्रॉपर्टीज में ही एक्शन विथ वाटर, एक्शन विथ वाटर, एक्शन विथ वाटर, एक्शन विथ वाटर में क्या है कि ये क्या करता है, कंबाइन करता है वॉलेंटली, ठीक है, कंबाइन करेगा क्या वॉलेंटली, और फॉर्म करता है फॉस्फोनिल क्लोराइड का, ठीक है, क्या फॉर्मेशन करेगा, फॉस्फोनिल क्लोराइड का, POCl3 का, ठीक है, तो इस सब का फॉर्मेशन करता है। यानी कि यदि हम लोग क्या करें, PCl5 का रिएक्शन करवा दें वाटर के साथ, ठीक है, तो ये क्या बना देगा, POCl3, POCl3 बनाएगा, साथ ही साथ क्या बनाता है, 2HCl बनाता है, ठीक है, ये बनाता है। उसके बाद इसी को यदि हम लोग PCl5 भी है अपने पास, इसका यदि हम लोग रिएक्शन करवा दें थोड़ा सा और पानी के साथ, 4H2O के साथ, ठीक, तो ये क्या बना देता है, ये बना देगा आपका H3PO4 और साथ ही साथ आपका क्या बना देता है, 5HCl, ठीक है। ये इस तरीके से काम आता है, इस तरीके से मतलब बनता है विथ इनसफिशियंट वाटर, सफिशियंट वाटर इस तरीके से एक्सेस। तो ये वाला किस में गया, एक्सेस में, ठीक है, ये किस में गया हम लोग लिए, एक्सेस में, ध्यान में रहेगा, ये किस में आपका गया है, एक्सेस में, ये एक्सेस में जब हम लोग, ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद पांचवा पॉइंट यदि हम इसकी बात करें, ठीक है, एक्शन विथ हाइड्रोक्सी कंपाउंड, ठीक है, एक्शन विथ, एक्शन विथ, ठीक है, हाइड्रोक्सी कंपाउंड, जो हम लोग PCl3 वाले में भी देखे थे, याद है, हाइड्रोक्सी कंपाउंड, एक्शन विथ हाइड्रोक्सी कंपाउंड, एक्शन विथ हाइड्रोक्सी कंपाउंड का मतलब वैसा कंपाउंड जिसमें क्या लगा हुआ रहेगा, OH लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा वही चीज है, OH को रिप्लेस करेंगे किससे, Cl के साथ, और कुछ नहीं करना है। ये वाला चीज पहले भी शायद बता चुके हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल PCl5 का रिएक्शन यदि हम लोग करवा दें C2H5OH के साथ, तो कुछ नहीं करना है, फिर से बोले OH को हटाओ Cl लगाओ, यानी कि C2H5 और ये क्या हो जाएगा Cl, और साथ ही साथ यहाँ पे बनता है POCl3 और साथ ही साथ बनता है HCl, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें क्या और क्या हो सकता है, PCl5 को यदि हम लोग रिएक्ट करवा दें CH3COOH के साथ, ठीक है, तो ये किस में, तो फिर से OH हटाओ, इसका OH हटाओ और Cl लगाओ, क्या बन जाएगा CH3COCl, साथ ही साथ क्या बनेगा POCl3, साथ ही साथ क्या बनेगा HCl। इसी का रिएक्शन यदि हम लोग करवा दें, PCl5 का रिएक्शन करवा दें SO2 का होल ट्वाइस इसके साथ करवा दें, ठीक है, क्या है ये, सल्फ्यूरिक एसिड, कंफ्यूजन नहीं हो जाना, ठीक है, क्या है ये, सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ा सा तेज और नीचे ले लें, ठीक है, ये अब यहाँ से इसको वैसे लिख सकते हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड को ध्यान में रखना, लिख देते हैं नीचे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसको यदि रिएक्ट करवाएंगे हम, ठीक है, तो सेम वही OH को हटाओ, क्या लगा दो Cl2, तो क्या बन जाएगा SO2 Cl2, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनेगा 2
POCl3 टू क्यों, क्योंकि दो OH हटे हैं इसलिए दो ये गए हैं, तो ये क्या बनेंगे टू POCl3 बनेंगे, और यहाँ पे PCl5 भी दो लेना अपने को पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या हो जाएगा आपका HCl, साथ ही साथ क्या हो जाएगा HCl, ठीक है, कितने HCl तो ठीक उस प्रकार दो HCl। उसके बाद आगे रिएक्शन यदि हम लोग क्या करवा दें PCl5 का रिएक्शन करवा दें किसके साथ O2NOH, ये केवल लिखने का तरीका है, ठीक है, O2NOH कहने का मतलब ये क्या हो गया आपका नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, इसको आपको OH को हम केवल किनारे करने के लिए ऐसा किए हैं, इसको आप चाहें तो कैसे लिख सकते हैं HNO3, ठीक है HNO3 सेम चीज है। अब इसका रिएक्शन सेम हटा दो यानी कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये इस तरीके से आएगा, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये ऐसा नजर आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Cl इस तरीके से रहेगा, ठीक है। इसको कहते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड, सॉरी नाइट्रोऑक्सिल क्लोराइड, नाइट्रोऑक्सिल क्लोराइड, ठीक है, ये इसका नाम होगा। साथ ही साथ क्या बनता है बेटा POCl3, और साथ ही साथ क्या बनता है HCl बनता है। तो ये एक्शन किसके साथ हो गया आपका हाइड्रोक्सी कंपाउंड के साथ। उसके बाद हम लोग छठा सिक्स्थ वाला हम प्रॉपर्टी देखेंगे एक्शन ऑन मेटल, एक्शन ऑन मेटल यानी कि मेटल के साथ ये किस तरीके से रिएक्ट करता है ये देखते हैं। तो सिंपली फाइनली डिवाइडेड के साथ ही हम लोग करवाते हैं, ठीक है, छोटा छोटा कण जो रहता है उसके साथ हम लोग करवाते हैं, ठीक है, जैसे तो वो क्लोराइड्स का फॉर्मेशन करता है बेसिकली, ठीक है, जैसे कि PCl5 है तो रिएक्शन करवा दिए कॉपर के साथ, ठीक है, क्या बन जाएगा ये 2CuCl, ठीक है, और प्लस क्या बनता है PCl3 बनता है, ठीक है, और ये यदि हम लोग करवा दिए PCl5 प्लस करवा देते हैं 2Ag, तो ये किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा 2AgCl का, साथ ही साथ क्या बनेगा PCl3 बनता है। उसी तरीके से यदि हम बात करें 2PCl5 का रिएक्शन करवा दे किसके साथ SN का, ठीक है, तो हम क्या बना सकते हैं SnCl4, सिंपल सी बात है बैलेंस करना है बस, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा 2PCl3, ये आपका बनता, बात समझ में आया। अब इसमें आपको याद होगा हम लोग PCl6 प्लस PCl4 माइनस ऐसे करके हम लोग कहे थे, क्या कहे थे कि एक्सरे जो स्टडी हुआ है, ठीक है, स्टडी ऑफ एक्सरे स्ट्रक्चर के बारे में यदि हम बात करें, स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, एक्सरे एक्सरे किसके बारे में बात करें स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, एक्सरे के स्टडी से पता चला है कि जो सॉलिड फास्फोरस होता है वो किसमें कंटेन करता है, बताए थे ना सॉलिड फास्फोरस, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड PCl5, ठीक है, सॉलिड PCl5 किसमें कंटेन करता है बताए हैं, ये किसमें कंटेन करेगा तो PCl4, ये रहा आपका प्लस इसमें, और साथ ही साथ किसमें करता है PCl6, और ये रहेगा माइनस, ये इसमें कंटेन करता है, ठीक है। और ध्यान में रखेंगे कि इसमें जो है अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं अलग अलग, एक तरह से यू कहें तो फेज में, ठीक है, क्या फेज करें मतलब वेपर फेज में थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके से ये है। क्या है भाई इसका स्ट्रक्चर, किस तरीके से स्ट्रक्चर जा रहे हैं, तो PCl4 माइनस यदि हम बात करें किसकी PCl, PCl4, ठीक है, PCl4 प्लस, सॉरी PCl4, तो ये आपका टेट्राहेड्रल कैटायन की तरह काम आता है, यानी कि फास्फोरस ये रहेगा, ये जाएगा ऊपर आपका क्लोरीन, ठीक है, ये आपका रहेगा क्लोरीन, ये आपका रहेगा क्लोरीन, और ये आपका रहेगा क्लोरीन, ये आपका बनता हुआ, ये आपका ऐसे बनता है, बात समझ में आया, ये है आपका, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग टेट्राहेड्रल कैटायन है ये, टेट्रा क्लोरो फॉस्फोनियम आयन इसको कहेंगे, क्या कहते हैं टेट्रा क्लोरो क्लोरो फॉस्फोनियम आयन, ये इसका नाम,
ठीक है। दूसरा क्या था बेटा, जो कि एनायन वाला पार्ट था यानी कि BCl6, और ये माइनस वाला पार्ट, ठीक है। तो ये आपका बनता है ऑक्टाहेड्रल एनायन, इसको कहते हैं, यानी कि ये इस तरीके से बनता है, जैसे कि ये हम लोग याद है ये वाला बनाते थे ऑक्टाहेड्रल वाला पार्ट ये। तो बीच में क्या रहेगा आपका, फॉस्फोरस, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, और ये इसके साथ बॉन्डिंग, ये इसके साथ बॉन्डिंग, ये इसके साथ बॉन्डिंग और ये इसके साथ बॉन्डिंग, ठीक है। और ये आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा, ठीक है, नीचे से, नीचे से यहाँ ऐसे कर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इस पे कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, हेक्सा क्लोरोफॉस्फेट, क्या बोलेंगे, हेक्सा क्लोरोफॉस्फेट, हेक्सा क्लोरो फॉस्फेट, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल एनायन भी कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल एनायन, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल एनायन, टेट्राहेड्रल कटायन, टेट्राहेड्रल कटायन। और जो आपका बेसिकली जो PCl5 जो वेपराइज्ड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है, ठीक है, वेपराइज्ड, वेपराइज्ड PCl5 जो होगा वो हम बता रहे हैं, वेपराइज्ड PCl5 जो होगा वो आपका कैसा बनेगा, ये फॉस्फोरस, ठीक है, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, ये ऐसा, ठीक है, ये चला जाएगा, ये ऐसा डॉट डॉट डॉट, ये नीचे, ठीक है। वेपराइज्ड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसको कहते हैं, वेपराइज्ड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, ये इसका नाम। बात समझ में आया, तो ये पूरा का पूरा हम लोग PCl5 के बारे में देख चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके अगला जो कंपाउंड है, या फिर कंपाउंड तो यही दोनों पढ़ने हैं अपने को, ठीक है, इसके एसिड के बारे में, मतलब कि ऑक्सी एसिड के, इस चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको क्या आ गया प्रॉब्लम, अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस ये देखते हैं। तो बेसिकली ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस जो है वो तीन, ठीक है, तीन तरीके के आपको मिलेंगे, ठीक है, एग्जिस्ट, अच्छा वो तो मिलते हैं, साथ ही साथ उनके डाइमेरिक फॉर्म भी एग्जिस्ट करते हैं, ये बात ध्यान में रखें, ठीक है, किस कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो डाइमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। थ्री इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, आर नोन, ध्यान में रखेंगे, थ्री थ्री इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स आर नोन, नोन, ठीक है, विच विच एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म, ठीक है, विच एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म, इज दैट क्लियर। अब जैसे कि कौन कौन सा है ये, तो फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड, फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड,
इज दैट क्लियर? फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड, फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका? P2O, इज दैट क्लियर? और इसका यदि हम बात करें डाइमेरिक फॉर्म तो क्या हो जाएगा, यानी जस्ट डबल P4O6, ये हो जाएगा, इज दैट क्लियर? ये दूसरा आपका जो है वो क्या रहेगा, फॉस्फोरस टेट्रा ऑक्साइड, फॉस्फोरस टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है, और ये बेटा क्या हो जाएगा P2O4, और इसको और क्या लिख सकते हैं P4O10, सब डाइमेरिक है, ध्यान रखेंगे। तीसरा जो है वो है फॉस्फोरस पेंटा, पेंटा ऑक्साइड, दैट इज P2O5, तो और क्या इसका हो जाएगा डाइमेरिक फॉर्म इसका P4O10, यहाँ पे P4O8 होगा, P4O8, इज दैट क्लियर? तो ये तीन जो है ये आपको नजर आ रहे हैं, फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड, फॉस्फोरस टेट्राऑक्साइड और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, और ये इनका क्या है डाइमेरिक फॉर्म, ये इनका क्या है डाइमेरिक फॉर्म, इज दैट क्लियर? डाइमेरिक फॉर्म क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड के बारे में, ठीक है, सबसे फर्स्ट वाला जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो कौन देखने जा रहे हैं, फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड, यानी कि P4 लिख देते हैं यहाँ पे, फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड, ठीक, यानी कि P4O6, चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं P4O6, यानी दोनों बात हो जाए, अपना ट्राईऑक्साइड भी बात हो जाए और ये भी बात हो जाए, ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इसका प्रिपरेशन, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका प्रिपरेशन, प्रिपरेशन कैसे हो रहा है बेटा, प्रिपरेशन में, ठीक है, प्रिपरेशन में होता क्या है कि फॉस्फोरस को बर्न करते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, फॉस्फोरस बर्न इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, फॉस्फोरस बर्न इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2, ठीक है, यानी कि रिएक्शन किस तरीके से हो जाएगा, रिएक्शन हम लोग क्या लिखेंगे P4, ठीक है, प्लस PO2, और ये आपको क्या दे देगा P4O6, ये फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और वेपर फॉर्म ऑफ ट्राईऑक्साइड पास थ्रू द ग्लास वूल, ठीक है, ध्यान में रखना कि वेपर फॉर्म जो इसका रहेगा पास करते हैं हम लोग ग्लास वूल से, ठीक है, रिमूव स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटा ऑक्साइड फॉर्म, ठीक है, देन कंडेंस्ड बाय फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है, और खैर ये तो अलग चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, बस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अगला चीज क्या ध्यान में रखना है, इट मे बी ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ, ठीक है, इट मे बी ऑल्सो प्रिपेयर्ड by the action of N2O on vapor of phosphorus, ठीक है, क्या होगा फिर यहाँ पे, ये यहाँ पे होगा P4 plus, ठीक है, P4 plus 6N2O, और ध्यान में रखेंगे कि ये रहेगा लो प्रेशर, ठीक है, और ये 600 डिग्री सी, ठीक है, ये बनता क्या है 2P2O3 plus 6
N2 गैस ये बनता हुआ नजर आता। तो ये पूरा का पूरा हम लोग क्या देख लिए, प्रिपरेशन। अब हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज किस तरीके से बना। दो तरीका है, एक तो सिंपल लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यदि हम लोग देते हैं तो बन जाएगा। दूसरा कौन सा हम बताएं, तो दूसरा आपका यदि हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, N2O के साथ, तो देखने को मिलता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज में अपने पास आएगा, प्रॉपर्टीज में क्या आएगा भाई, तो सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे इसके बारे में, ये जो होता है ये होता है पॉइजनस वैक्सी सॉलिड, ठीक है। पॉइजनस वैक्सी सॉलिड होता है ये, ठीक है। स्मेल लाइक गार्लिक, ठीक है, स्मेल लाइक गार्लिक की तरह, ठीक है। कल हम लोग रोटेन एग, रोटेन फिश भी देखे थे, रोटेन फिश देखे थे, आज गार्लिक का आपको महक नजर आपको मिल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, लाइक C6H6 यानी कि बेंजीन, CHCl3, ठीक है, ये ऐसे कैसे मीटर जा रहा है ऊपर। स्मेल लाइक क्या बोले थे, गार्लिक, ठीक है। C6H6, उसके बाद क्या बोले थे हम, CHCl3, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस तरीके में ये क्या है, और क्लोरोफॉर्म ये इसमें क्या है, ये सॉल्यूबल, ठीक है। तीसरा एक्शन ऑफ हीट देख रहे हैं हम लोग, एक्शन ऑफ हीट, हीट करेंगे तो क्या होगा भैया, एक्शन ऑफ हीट में यदि हम लोग 2P4O6 ले ले और इसको क्या कर दे, हीट, और हीट कितना पे कर दे, 210 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2P4O8 और प्लस 4 फॉस्फोरस, फॉस्फोरस टेट्रा ऑक्साइड बन गया ये, ठीक है, समझ में आ रहा है, फॉस्फोरस टेट्रा ऑक्साइड बन गया ये, ठीक। और ये क्या जो है, ये जो है फॉस्फोरस कैसा मिला यहाँ पे, रेड, ध्यान में रहेगा। उसके बाद हम लोग अगला देख रहे हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, अगला कौन सा देखेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या है, यदि ऑक्सीडाइज इट टू P2O5, ध्यान में रखना है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज इट टू P2O5, ठीक है, P2O5 में होता है, तो क्या हो जाएगा रिएक्शन फिर इसका, P2O6 प्लस 2O2, ठीक है, P2O6, एक सेकंड, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, P4O6, ठीक है, और ये क्या बनेगा, P4O10 बनता है, ठीक है, P4O10, तो बेसिकली क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया ये, तो ये भी देखने को मिलता है इसके प्रॉपर्टीज में। उसके बाद फिफ्थ वाले में आते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन विथ Cl2,
रिएक्शन विद Cl2। इसमें क्या है भाई, तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बर्न करता है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो P4O6 प्लस 4 Cl2 ये क्या बना देगा, 2PoCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और साथ ही साथ तुम्हारा बनता है 2PO2Cl, मेटाफॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। नाम क्या है इसका लिख देते हैं, नाम इसका है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और ये क्या है, फॉस्फोरस, मेटाफॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये इसका नाम। तो ये रिएक्शन विद किसके साथ हो गया, Cl2 के साथ, देख लिए। आगे जो है वो हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोलिसिस, इंपॉर्टेंट पार्ट तो है ही, सिक्स्थ वाला जो है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस देखेंगे तो इट डिजॉल्व, ठीक है, स्लोली इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में ये डिजोल्व हो जाता है स्लोली, ठीक है, और फॉर्म करता है H3PO3 का, ठीक। तो क्या हो जाएगा, P4O6 प्लस क्या हो जाएगा, 6H2O, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4H3PO3 में, ठीक है, और ये ध्यान में रखना है कोल्ड वाटर लेना है, ठीक है, ये हो जाएगा। और यदि हम हॉट वाटर लेते हैं, ठीक है, ये यदि हम लोग लेते हैं P4O6 और प्लस यही 6H2O, लेकिन ये ले लेते हैं हम लोग हॉट, ठीक है, हॉट, तो ये जो बनता है वो बनेगा 3H3PO4, ठीक है, और प्लस प्लस क्या बनेगा, PH3। तो ये फॉस्फोरस एसिड बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, फॉस्फोरस एसिड बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड ये बनता हुआ नजर आ रहा है। समझ में आया, स्ट्रक्चर के बारे में यदि हम थोड़ा सा बात करें, ठीक है, मजेदार है, ठीक। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर इसका कुछ यूं होगा, क्योंकि क्या है आपका P4O6, ठीक है, क्या है ये स्ट्रक्चर, P4O6 ये देख रहे हैं, ठीक है, तो फॉस्फोरस 4 है केवल, और ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 6, ठीक है, कुछ नहीं करना, ये 4 फॉस्फोरस को इस तरीके से लगा दो, लग गए 4 फॉस्फोरस, ठीक है, और बीच में डाल दो इनके ऑक्सीजन, ठीक है, या इसको हम अलग कलर से बना दे तो ज्यादा, ठीक है, स्ट्रक्चर ये, ठीक है, ऐसे ये 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन बचे, एक ऑक्सीजन यहाँ से जोड़ो यहाँ पे, और एक ऑक्सीजन यहाँ से जोड़ो यहाँ पे, इज दैट क्लियर, समझ में आया क्या हो रहा है। बस कुछ चीजें ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बनता है 123 डिग्री का, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बनता है 100 डिग्री का, ठीक है, और इनके बीच का जो लेंथ होता है वो होता है 160 पिकोमीटर का, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, ये बताना मेरा परम कर्तव्य है।
आगे बढ़ते हैं और दूसरे दूसरा जो अपना था उसके तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा अपना है, ये पहला ऑक्साइड खत्म होता है, दूसरा ऑक्साइड है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ठीक है, फॉस्फोरस फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ठीक है ये। और इसको इसका डाइमेरिक फॉर्म को क्या लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, P4O10, याद है, समझ में आ रहा है। प्रिपरेशन कैसे होगा इसका, प्रिपरेशन प्रिपरेशन कैसे होगा, तो हम लोग क्या करते हैं एक्सेस एयर फॉस्फोरस में डालते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है P4O10। याद कीजिए इससे पहले लिमिटेड था सप्लाई जो कर रहा था ऑक्सीजन का, अब क्या कर रहे हैं हम लोग एक्सेस, यानी कि P4 प्लस क्या हो जाएगा 5O2, ठीक है, और हीट, ठीक, क्या बन जाएगा P4O10, ये बन जाता है, ठीक है, P4O10 बन जाएगा, P4O10 बन तो जाता है, ठीक है। अब P4O10 जैसा ही बन जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करते हैं एक इसको इसके लिए भी भेजते हैं, प्योरिफिकेशन भी इसको करना पड़ता है, प्योरिफिकेशन इज मेड यूजिंग सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है, और ध्यान में रखेंगे यहाँ पे प्योरिफिकेशन इज मेड, प्योरिफिकेशन, ठीक है, इज मेड मेड यूजिंग यूजिंग सब्लिमेशन प्रोसेस, सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है, एंड इट इज कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ, ठीक है, स्नो पाउडर, ध्यान में रखें, इट इज कलेक्टेड कलेक्टेड, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ स्नो स्नोई, ठीक है, स्नोई पाउडर, ठीक है, बर्फ स्नो नहीं रहता उसके तरीके से, स्नोई पाउडर विच इज कॉल्ड फ्लावर ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, फ्लावर फ्लावर ऑफ फॉस्फोरस, ये कहा जाता है, तो ध्यान में रखना है प्रॉपर्टीज। अब बात करें हम लोग, प्रिपरेशन हो गया, प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होगा, प्योर स्टेट वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस, ठीक है, क्या लिखेंगे, इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन वाइट क्रिस्टलाइन वाइट क्रिस्टलाइन कलरलेस कलरलेस सॉलिड, ठीक है, कलरलेस क्या होता है, कलरलेस सॉलिड आपका होता है, इन प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी, ये भी ध्यान में रखना, इन प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी, इन प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज ऑफ P4O6, यानी कि P4O6 एज ए इम्प्यूरिटी के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है, इट स्मेल्स लाइक गार्लिक, स्मेल लाइक गार्लिक, ठीक है, यदि इम्प्यूरिटी के तौर पे यदि P4O6 आया तो ये कैसा महकेगा, गार्लिक की तरह आपको आएगा, ठीक है। एक्शन ऑफ हीट, यदि हम बात करें एक्शन ऑफ हीट, तो ये एक्शन ऑफ हीट में बेटा क्या होता है, सब्लिमाइज हो जाता है, ठीक है, इट सब्लाइम्स,
सब्लिमेशन हो जाता है इसका, ये ध्यान में रखेंगे। तीसरा जो आ रहा है एक्शन ऑफ वाटर, एक्शन ऑफ वाटर, एक्शन ऑफ वाटर। तो एक्शन ऑफ वाटर में क्या होगा, बिफोर O10 रिएक्ट करेगा, मतलब एक तरह से वाटर के साथ क्या बना देगा, ठीक उसी तरीके से 4H3PO4। ठीक है, समझ में आ रहा है, एकदम उसी तरीके से बनेगा जो पिछला वाला बन रहा था, H3PO4 बन रहा था और H3PO3 बन रहा। तो इसमें डायरेक्ट क्या बन रहा है, 6H2 डाल रहे हैं और ये क्या बन रहा है, H3PO डायरेक्ट 4 बन रहा है। ठीक है, समझ में आया क्या चल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये करते हैं, यदि हम इसमें ऐसा लिखा हुआ रहे कि P4O10 ठीक है, ऐसा यदि लिखा रहेगा कि P4O10 का रिएक्शन हम करवा रहे हैं 2H2O से, देखेंगे ध्यान से, इम्पोर्टेंट है, 2H2O से। ठीक है, तो ये बनेगा 4H3PO3, समझ में आया, मेटाफॉस्फर, क्लियर है किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। दो, यहाँ 6 था, 2 में ये फिर H3PO3 बनेगा। अब इसमें फिर से यदि हम 2H2O डालें तो ये बन जाता है 2H4P2O7, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, क्या बनता है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये बन जाता है। ठीक है, और इसमें यदि हम फिर से 2H2O डालें तो टोटल कितने H2O हो गए, 2, 4 और 6, तो अब ये बनता है H3PO4, अंडरस्टूड, यानी कि ऑर्थोमेटा फॉस्फोरिक एसिड, ये अब यहाँ पे नजर आया। तो ये डायरेक्ट 6H2 है तो डायरेक्ट ये लिखो बेटा, लेकिन यदि 2H2 डाला है फिर ये बनेगा, फिर 2 डाला है तो ये, फिर ये बनेगा और फिर 2 डाला है तो ये बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख। ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन करके पूछ सकता है आप उसके बाद। ठीक है, उसके बाद डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ वही। ठीक है, अगला जो हम लोग देख रहे हैं फोर्थ वाला प्रॉपर्टीज उसका। ठीक है, इट इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, इट इज स्ट्रॉन्ग, ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस्तेमाल करते हैं ना, इट इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे CONC2SO4 इस्तेमाल करते थे, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, एंड यूज टू रिमूव वाटर, तो जाहिर सी बात है वाटर ही रिमूव करेगा, रिमूव शॉर्ट में लिख देते हैं वाटर। ठीक है, इसके साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली करता है, जैसे कि P4O10। ठीक है, P4O10 का रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग CH3COOH, यहाँ से क्या कर देगा, वाटर रिमूव, और क्या बना देगा, 2CH3CO का होल ट्वाइस O, यानी कि एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, किसका फॉर्मेशन कर दिया, एनहाइड्राइड का, प्लस 4HPO3। बेसिकली ये दो बने तो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएंगे इसके, CH3C डबल बॉन्ड O, ये O सी डबल बॉन्ड O और ये CH3, ऐसा एनहाइड्राइड, ऐसा स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक, समझ में आया। इसी में यदि हम लोग P4O10 ले लें प्लस 2CH3CONH2 amide वाला ले लें तो ये क्या बन जाएगा, फिर से ये बन जाएगा 2CH3CN। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनेगा, 4H PO3 ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम ले लें P4O10, O10 का रिएक्शन किसके साथ, 4HNO3 के साथ, ये क्या बन जाएगा, 2N2O5। ठीक है, साथ ही साथ बनेगा 4HPO3, यदि इसी को ले लें P4O10 के साथ रिएक्शन करवा दें 2H2SO4, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 2SO3। ठीक है, साथ ही साथ बन जाएगा 4HPO3, ये बन जाएगा। ठीक है,
और ध्यान में रखना है कि वुड, पेपर, सुगर, इस सब को भी हम डिहाइड्रेट कर सकते हैं बिफोर O10 के, बहुत ही जबरदस्त जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपका आता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये यदि रिडक्शन विथ कार्बन, कौन सा पॉइंट है आपका, सेम जा रहा है। ठीक है, रिडक्शन विथ कार्बन, रिडक्शन विथ कार्बन, ये देखते हैं। तो यदि हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं कार्बन के साथ ना, तो रेड फॉस्फोरस इससे ऑब्टेंड होता है। ठीक है, ध्यान रखें। तो कैसे, P4O10 को क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, P4O10 प्लस क्या है 10C, और ये है स्ट्रॉन्ग हीट। ठीक, क्या मिलता है आपका 10CO मिलता है, ठीक है, साथ ही साथ 4P मिलता है। ठीक, और ये कैसा फास्फोरस रहेगा, वही रेड वाला। ठीक, आगे हम देखते हैं सिक्स वाला पॉइंट, सिक्स प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इट फॉर्म्स फॉस्फेट ऑन फ्यूजन विथ बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, तो फॉस्फेट तुम्हारा बनेगा ही, जाहिर सी बात है। कैसे, तो देखो जरा सा, P4O10 का रिएक्शन यदि हम करवा दें 6CO के साथ, तो याद है कैल्शियम फॉस्फेट ये बना रहे हैं हम लोग, और यहाँ भी फ्यूज किए, स्ट्रॉन्ग हीट बेसिकली करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2Ca3। ठीक है, और PO4 का O2 ये आपका बनता है। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड के साथ हम लोग बेसिकली रिएक्शन करवाते हैं, ये आपका क्या रहेगा, बेसिक ऑक्साइड इसके साथ यदि करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होगा, फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट। समझ में आया, स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान में देखना पड़ेगा इसका, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर तो किसका स्ट्रक्चर भाई, तो यह है P4O10। अब इसमें 10 ऑक्सीजन है, 10 के 10। ठीक है, देखना अब ये किस तरीके से होगा, ये जैसे पहले किए थे वैसे कर लेते हैं, ये फास्फोरस यहाँ, ठीक है, ये फास्फोरस यहाँ और ये फास्फोरस यहाँ, इज दैट क्लियर। यहाँ से जोड़ेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये ले लिए। ठीक है, यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन के साथ, ऐसे थोड़ा ऐसे स्ट्रक्चर बनता है तो अच्छा लगेगा। है ना, ये एस, ठीक, ये हो गया। अब क्या था, एक यहाँ से लिए थे हम, याद कीजिए, ठीक है, और एक कहाँ से लिए थे, ये, ठीक, ये बन गया। उसके बाद ये फॉस्फोरस अपना लोन पेयर जो है इस ऑक्सीजन को दे देगा, कोऑर्डिनेट करेगा, तो इसके पास 6 लोन पेयर बचे हुए रहे। ठीक है, तो ये ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ पे, ये एक कुछ महत्वपूर्ण चीजें इसके बीच में कि ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो होता है मात्र 102 डिग्री का, ये एंगल होता है 123 डिग्री का, और इनके बीच की जो दूरी होती है वो हो जाती है आपका 160 मीटर। तो पूछ सकता है कि कौन सा जो एंगल है वो स्मॉल है, कौन सा लार्जर एंगल के बीच। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब यदि हम बात करें तो ये इतना हो गया है आपका ऑक्साइड ऑफ, हम लोग क्या देख लिए, स्ट्रक्चर वगैरह भी हम लोग देख लिए। ठीक है, अब ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस देखते हैं। ठीक है, ये आपका खत्म होता है पूरा का पूरा, किस तरीके से हो रहा है, अभी हम फिर से लिंक भेजते हैं आपको। ठीक है, क्योंकि ये कभी भी अपना ऑफ हो सकता है, बात समझ में आ रहा है, तो फिर से लिंक भेजते हैं और हम लोग क्या देखेंगे, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस जो है वो देखेंगे।
इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग तो रोक रहे हैं, ठीक है, दोबारा ज्वाइन होना है।